नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, इन्फोसिस को लेकर के आज बातचीत होने वाली है, क्योंकि पिछले कई समय से इन्फोसिस इसमें जो बाकी के पीयर्स हैं, चाहे वो TCS हो, HCLTech हो, उनको अंडर परफॉर्म कर रहा है, वही बहुत बुरी कदर दोस्तों, ठीक है। और लगातार जो निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं इन्फोसिस को लेकर के, जहाँ बाकी कंपनीज की, आप अगर आप मेरा चैनल बहुत समय से फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार TCS और HCLTech जो मल्टी ईयर डील्स लगातार कर रही हैं उनकी न्यूज़ आप तक लगातार लाता रहता हूँ। इन्फोसिस में आज ये न्यूज़, आज ये वीडियो मैं पहली बार लाया हूँ, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इन्फोसिस अब मुझे लगता है थोड़ा ऊपर के अपमूव आपको दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि नियर टर्म में 10 या 13 तारीख को कुछ इनके रिजल्ट आने वाले हैं, और अक्सर इन्फोसिस ने रिजल्ट के समय में अच्छा खासा अपमूव दिखाया दोस्तों। और अब जिस तरह की न्यूज़ आई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या है वो, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म में, क्या करेंट लेवल्स में इन्फोसिस खरीदना चाहिए, हर एक बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी करें दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसा करते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अब दोस्तों चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि लगभग 0.5% की गिरावट है दोस्तों ये, ठीक है। और सिर्फ उसी दिन नहीं दोस्तों, शेयर है लगातार नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है, जहां पूरी जो टेक इंडस्ट्री है उनके शेयर भाग रहे हैं ऊपर की तरफ से। HCLTech आप देखेंगे कि लगातार निचले स्तर दिखा रहा है। आप देखिए 5 दिनों में 5.25% की गिरावट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए ये, ठीक है, 5.25%। 1 महीने में फिर भी नेगेटिव है, 2% के आसपास की गिरावट। 6 महीनों में केवल 18%, ईयर ऑन टू डे 32%। तो ऐसा क्या हो रहा है कि शेयर पिछले 1 महीने में इतना नेगेटिव चल रहा है दोस्तों? इन्फोसिस को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, और जिसका असर इसके शेयर प्राइस में बिल्कुल पड़ना लाजमी भी था। क्या थी वो न्यूज़ दोस्तों? देखिए, आप ये पहले न्यूज़ देखिए, दैट सेबी बैंस इन्फोसिस एम्प्लॉयज फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस इन पाउंड ₹2.6 करोड़। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में इन्फोसिस के एम्प्लॉय को भी सजा मिली है सेबी के द्वारा, ठीक है। ये कोई डायरेक्ट नहीं है दोस्तों, बट एक होता है ना, कंपनी की साख होती है, उसमें डायरेक्ट ये भट्टा लगा है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, आप देखिए दैट एक पॉजिटिव न्यूज जो HCLTech को लेकर के है, वो है इन्फोसिस TCS मे गेन ओवर 20% सेज गोल्डमैन सैक्स क्लाउड अडॉप्टेशन राइजन टेक स्पेंड टू एड ग्रोथ। दोस्तों देखिए, नेगेटिव अपनी जगह अपनी न्यूज़, ठीक है। ये जो न्यूज है ना गोल्डमैन सैक्स की, कि क्लाउड में जो क्लाउड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया दोस्तों, क्लाउड में जो कंपनीज अभी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पहला तो क्लाउड हो गया, प्लस टेक में जो है ना दोस्तों, टेक सर्विसेज में जो सर्विसेज में जो लगातार आप देख रहे होंगे कि स्पेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है कंपनीज, उनका डायरेक्ट बेनिफिशियल इन्फोसिस और TCS होगा, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगी अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ जो है ना इस शेयर को लेकर के, एक और जो गुड न्यूज़ आई थी वो ये है दैट इन्फोसिस टू एंटर इनटू MOU विद कर्नाटका गवर्नमेंट टू हेल्प अचीव NEP ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये एक NEP ऑब्जेक्टिव है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा दोस्तों, कि ऑलरेडी बहुत सारी जगह आप ये ऑलरेडी पढ़ चुकेंगे, नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। इन्फोसिस ने कर्नाटक के साथ एक डील साइन किया, MOU साइन किया है, जिनमें उन्हें जो स्किल डेवलपमेंट होता है इसके आधार पे वो लोगों को, स्टूडेंट को अपग्रेड करेगी। ये तो हो गया दोस्तों, और वो जो कर रही है काम वो अपने पर्सनल प्रोडक्ट के कारण कर रही है, जिससे उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होगी। वो एक अच्छी न्यूज़ है, बट कोई फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी नहीं है कि जिससे बहुत तेजी या गिरावट आ जाए, ठीक है। आप देखिए इन्फोसिस पिछले कई समय से बहुत नेगेटिव चीज़ों में है दोस्तों। पहला एम्प्लॉयज़ का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो इनको एम्प्लॉयज़ को बैन किया गया एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। दूसरा है, आपने सुना होगा जो IT है, इन्होंने जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर जो वेबसाइट नहीं थी उसमें जो ग्लिचेज आ रहे थे वो आपने सुना होगा। तो देखिए, साख एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप कुछ क्वार्टर रिजल्ट खराब ले आए ठीक चलता है, बट ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो भी इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ी बात रहती है दोस्तों, ठीक है। इन्फोसिस में ये भी नाटक हो गया था दोस्तों, तो इन्फोसिस यही सब न्यूज़ के कारण बहुत सारे दबाव में थी, प्लस जो US से लगा है, US के जो मार्केट है उस पर जो गिरावट हुई
उसके कहना पूरा का पूरा जो आईटी सेक्टर था उसमें भी जबरदस्त दोस्तों गिरावट आई थी और इन्फोसिस भी उससे अछूता नहीं रह गया था। बट अब जो आने वाला समय दोस्तों वो इन्फोसिस के लिए अच्छा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, आपको बस देखिए और लोगों को इतना भरोसा इन्फोसिस पे आप देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 57,33,906 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है दोस्तों, और देखिए 72.70% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी दोस्तों शेयर को ना एक्यूमुलेट किया जा रहा है, गिरावट होती है और उठाए, क्योंकि जब ऐसे ऐसे भयंकर डिलीवरीज होती है ना और आईटी स्टॉक में कोई भी गिरावट एक चांसेस होती है दोस्तों खरीदारी का। आपको याद है, अगर आपको याद होगा इन्फोसिस में जब इनसाइडर ट्रेडिंग की जब इन्फोसिस को केस किया गया था अमेरिका के एक विसिल ब्लोअर द्वारा, ये शेयर 2600 रुपए तक में आ गया था, मतलब विद इन अ वीक और मंथ मुझे अच्छे से नहीं आते तो 50% के आसपास ये शेयर टूटा था, और उसके बाद एक या दो तीन महीनों के अंदर दोस्तों इस शेयर ने 100% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए थे। तो ये होता है दोस्तों आईटी के शेयर्स के गिरने केवल एक्यूमुलेशन के चांसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में तो लोग चाहते हैं कि गिरावट हो ताकि और एक्यूमुलेट करें। बट मैं पर्सनल राय में जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट शेयर है एचसीएल टेक दोस्तों। बट इसका मतलब ये नहीं कि इन्फोसिस कोई खराब शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, हर एक गिरावट में एक्यूमुलेट करने का चांस होना चाहिए। और दोस्तों रिजल्ट से पहले अगर गिरावट हो रही है तो इन्फोसिस आज तक हमेशा जो उसका ट्रेंड रहा है वो हमेशा अप मूव कर रहा है जब भी रिजल्ट आता है, और रिजल्ट अगर अच्छा आते हैं तो आप देखेंगे कि इन्फोसिस एक नई अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की ओर जाएगा। और दोस्तों मुझे नहीं लगता 1634 इसका एक मुझे 1634 इसका एक निचले साइड में एक अच्छा सपोर्ट है दोस्तों ये, और 1600 एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा। और इससे पहले अगर ये इसे 1650 को तोड़ के क्लोजिंग में से नीचे जाना पड़ेगा अगर इस शेयर को वीक होना है तो, बट मुझे ये नहीं लगता दोस्तों ये शेयर बाउंस बैक मंडे को कर सकता है जिस तरह के डिलीवरीज हैं। और अगर नहीं करता है दोस्तों, गिरावट होती है तो भी वो केवल एंट्री का एक चांस होगा दोस्तों। जो मैं आपसे यहाँ बात किया हूँ ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरी पर्सनल राय है। आपको खुद भी कुछ रिसर्च करनी है शेयर में बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनाने से पहले, या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी दोस्तों, ठीक है। लेकिन इन्फोसिस एज अ कंपनी फंडामेंटल इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई भी गिरावट हो रही है दोस्तों और कंपनी आपको एक महीने पहले के शेयर में मिल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं दोस्तों, फिर भी एक्यूमुलेट करने के लिए एक थोड़ा बहुत कहते हैं दोस्तों बल्क में नहीं तो एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए, जो भी आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। लगभग अगर आपको 10 शेयर खरीदने मान लीजिए सपोजली, तो आपको कम से कम 2 से 3 शेयर आपको करंट मार्केट प्राइस में ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों मिनिमम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो दोस्तों इन्फोसिस के ऊपर, मंडे को मुझे लगता है ये शेयर ज़रूर ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये इन्फोसिस शेयर अगर गिरता भी है दोस्तों, गिरावट मिलता है तो केवल बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक देख लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।